प्रणाम, आप लोगों का स्वागत है हमारा न्यू ब्लॉग जो छठ महापर्व पर स्पेशल बन रही है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले, और आप लोग हमारे न्यू वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए हम लोग अभी छठ घाट की ओर चलते हैं, और हम अपने साथ हमारे मौसी का छोटा बाबू है उसको साथ में लेके चल रहे हैं। तो हेलो दोस्तों, तो आप लोग देख पा रहे हैं हम लोग छठ घाट की ओर जा रहे हैं। हमारे साथ हैं हमारे मौसी के पुत्र एंड पुत्री। चलते हैं अब आगे की ओर, हम आप लोगों को दिखाते हैं। हमारा ऐसा ही गांव है, जैसा गांव है वैसा आप लोगों को दिखा रहे हैं, और जैसा हमारे यहाँ छठ महापर्व को मनाते हैं वैसे तस्वीरें हम आप लोगों के सामने शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं जगह पे छठ महापर्व मनाते हैं कहीं पे नहीं मनाते हैं। तो हमने सोचा एक स्पेशल ऐसी वीडियो बनाई जाए जिससे लोग देखकर समझ सकें कि ऐसा छठ महापर्व भी मनाया जाता है जहाँ पे लोग नहीं जानते हैं। ऐसे तो अभी हमारे भारत देश में कई जगहों पे नहीं मनाई जाती है, क्योंकि भारत के कुछ प्रसिद्ध ही शहरों में और प्रदेशों में मनाई जाती है, जैसे कि हमारे यूपी के कुछ हिस्से, झारखंड और बिहार, क्योंकि बिहार से शुरू हुई परंपरा। जय हो छठी मैया। तो आज हमारी न्यू वीडियो छठ पर्व पर बन रहा है, जो आप लोग देख रहे हैं वहाँ पे मम्मी पापा लोग हैं। हमने सोचा हम थोड़ा सा पहले चलते हैं क्योंकि हम थोड़ा सा वीडियो भी शूट कर लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को दिखानी है। तो चलिए चल के हमें ऐसे ही अद्भुत तस्वीरें हम बराबर आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते रहें, ऐसे ही कामना हम छठी मैया से करते हैं, और जो व्यूअर्स देख रहे हैं वो भी हमेशा आगे बढ़ते रहें, यही हम कामना करेंगे। तो आप लोग हमारे ब्लॉग में यहाँ तक कंटिन्यू बने हुए हैं तो आगे भी देखिए कि कैसा पर्व मनाया जाता है। और अब देखिए हम लोग आ पहुँचे हैं छठ घाट पे। छठ घाट की तस्वीरों से आप लोग जान जा रहे हो कि ये हमारे गांव की ओरिजिनल नेचुरल प्रकृति की वरदान जैसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि हमारे गांव के जस्ट बगल में ही किनारे नदी बही है, उसी नदी में हमारा छठ घाट है। सामने आप लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग छठ घाट पे आ पहुँचे हैं। उसके बाद हम छठ घाट के पास जस्ट अभी पहुँचेंगे जहाँ पे थाला बनाया गया है, उसके बाद हम वहाँ पे दौरा और सुपा को रखेंगे। रखने के बाद उसके बाद हम अर्घ देंगे, क्योंकि डूबते हुए अर्घ को पहले दिया जाता है, उसके बाद अगले दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के बाद वापस घर की ओर आ जाते हैं, जो आप लोगों को आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। आप लोग कंटिन्यू वीडियो में बने रहिएगा। लोग इष्ट को अपने साथ लेके जा रहे हैं और केला के पत्ता को, तो हम लोग थाला के पास ले जाएंगे और उसके बाद वहाँ पे एक गड्ढा खनेंगे। गड्ढा खनने के बाद उस इष्ट को वहाँ पे खड़ा करेंगे, जैसे लोग हर जगह पे करते हैं, कहीं पे इकट्ठा कर देते हैं एक ही जगह पे बहुत सारे, लेकिन हमारे यहाँ जहाँ पे थाला बना हुआ है जस्ट उसके सामने एक गड्ढा खन के सीधे खड़ा किया जाता है। और देख ही रहे हैं कि हमारे गांव की जनसंख्या कितनी ज़्यादा है इस पवित्र त्यौहार को करने के लिए। तो देखिए हम लोग चाचा भतीजा दोनों लोग और वो बहना है एक ठो, हम लोग साथ में मिलकर गड्ढा को खन रहे हैं जिससे कि ईंख को खड़ा किया जाए। देखिए एकदम एक भाई तो एकदम लगा हुआ है खूब, लगो
हम लोग अभी शाम का अर्घ अभी देने वाले हैं, बस थोड़ी देर में अर्घ देंगे क्योंकि पंडित जी वहाँ पे चले गए, वहाँ से आएंगे उसके बाद हम लोग अर्घ देंगे। यहाँ पे माता जी हैं, चाची जी हैं और सभी लोग फैमिली मेम्बर्स। देखिए डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिलाते हुए हमारे पंडित जी। अब अगले दिन देखिए उगते हुए सूर्य को अर्घ देने की तैयारी चल रही है, जो आप लोग वीडियो में सामने देख पा रहे हैं। तो हम लोग आ गए हैं, सुबह का अर्घ अब संपन्न हो जा रहा है। देखिए आप लोग देख पा रहे हैं पीछे से पूरा नजारा। तो उगते हुए सूर्य को का अर्घ दे दिया गया है। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, अब हवन का कार्य अब स्टार्ट होने वाला है। जल्दी स्टार्ट हो, यहाँ पे पंडित जी स्टार्ट भी कर रहे हैं हवन का कार्य। तो देखिए हम अपने छठ घाट पर स्नान कर चुके हैं और स्नान करने के बाद हम अभी चल रहे हैं, थोड़ा सा पूजा कर लेते हैं, पूजा करने के बाद शामिल होते हैं। चलिए सुबह का अर्घ का काम समाप्त होने के बाद उसके बाद हवन का कार्य होता है। हवन का कार्य कंप्लीट होने के बाद उसके बाद जितनी ईख की या हल्दी का या तो अदरक का जो भी पत्ता रहता है उस पत्ते को पानी में प्रवाहित कर दिया जाता है, जैसे प्रवाहित किया जा रहा है आप लोग वीडियो में देख पा रहे हैं। उसके बाद सभी लोग एक दूसरे से प्रसाद मांगेंगे और उसके बाद यहाँ से घर की ओर प्रस्थान करेंगे। और यहीं पे हमारा ब्लॉग समाप्त होता है। जय हो छठी मैया, सबके ऊपर कृपा हमेशा बनाए रखिएगा। जय माँ।